रंग जाऊं तेरे रंग में अब से नए समय पर सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। ये शादी तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत है देवयानी। आज के बाद तुम पर, तुम्हारी सांसों पर सिर्फ मेरा हक होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा हक। You are finished. देवयानी की शादी राजवीर से नहीं होगी, परंतु ये तुम्हारे घर में आएगी जरूर। अरे आपसे पूछ रहा हूं दारोगा, कहां कहां? अरे देवयानी बच्चे के बारे में कुछ पता चला? दारोगा साहब आपको, देवयानी बच्चा बच्चे ये सब कहा है, कहा हुआ? रुद्र तेरा दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गया है क्या तू? अरे तुझे किसने हक दिया है कि उस लड़की की जिंदगी बर्बाद करे तू? अरे तमाशा खिलवाड़ बना के रख जा तूने उसकी जिंदगी को। क्यों, वो लड़की भगवान है जो हमारे साथ आके कुछ भी कर जाएगी? माँ आप ही बताइए मैंने क्या गलत किया? उसने मेरे भाई को इतनी तकलीफ थी, उसके बावजूद भी मैं उसका कुछ ना करूं, हाथ पे हाथ धर के बैठा रहूं। रुद्र तू पागल हो गया है, तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है? तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तूने कितना बड़ा पाप किया है। माँ बस बस माँ, गुस्से से आपका बीपी बढ़ जाएगा, आप चलिए बैठिए मेरे साथ। अरे क्या शांत हो जाऊं, भाड़ में गया बीपी। पहले आप बैठ जाइए माँ, बैठ जाइए आप। हे भगवान, और उसने जो कुछ भी किया है ना माँ, गुस्से में आकर किया है। रुद्र पता हो ना बेटा? नहीं माँ, मैंने जो कुछ भी किया है वो बहुत सोच समझ के किया। देख लिया, सुन क्या बोल रहा है। मैंने लोगों को माफ करना छोड़ दिया है। अब ये अधिकार किसी के पास नहीं है कि वो हमारी जिंदगी में आए, हमारा विश्वास तोड़कर चले जाए। वो तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं और हमें सारी उम्र के लिए अपना दम थोप के चले जाते हैं। इसलिए अब जो हमें तंग करेगा उसे सजा मिलेगी, और ये देवयानी की सजा है। बचवा क्या हुआ, उठ तो। अरे हमरा बचवा, कौन किया ये सब?
हमें मारकर आपके भाई का दर्द कम हो जाएगा। मार दीजिए हमें। तुम्हें मारकर मेरे भाई का दर्द कम नहीं होगा। मैं ऐसी सजा दूंगा कि मरते दम तक आंसू बहाती रहोगी तुम। रुद्र, अभी तक हमारा प्यार देखा, अब बताता हूं कि काशी और पांडिक नफरत का है। हमें इज्जत पर हाथ डाला, हमें मान सम्मान पर हाथ डाला, तो कौड़ी का लफंदर रुद्र। दादू, दादू सबका कोई फायदा नहीं, आप वापस जाइए उनके पास। गाड़ी निकालिए, पीछे हट जाओ, हट पीछे। रुद्रा, रुद्रा, अब शांत हो जाइए, हमारी बात तो सुनिए आप। क्या बात सुनूं आपकी, बताइए। आपका बिटवा वहां पर काम करके आया है, है कोई तबीज उसे? अरे पर ये बात हम आराम से बैठकर भी तो कर सकते हैं ना काशी जी। क्या बात करें बैठ के, किसी खानदान का इज्जत उछाल के आता है आपका, तो बैठ के बात करेंगे। रुद्रा, हमने कहा नीचे आओ। जबरदस्ती करने के बाद सीना तान के हमारे सामने खड़ा है, हमरा पोती पर हाथ डाल दिया, हिम्मत कैसे हुआ तोरा? जिस तरह उसकी हिम्मत हुई मेरे भाई के जिंदगी पर बात करने की। अब आपके हाथ से बात आगे बढ़ चुकी है, कुछ नहीं हो सकता, इसलिए तमाशा बंद कीजिए। आपकी पोती अब आपकी नहीं है, मेरी गुलाम बन चुकी है।